sir, would you please tell us about your journey or your experience and how you are doing things as an individual to change the educational background? नमस्कार, जय हिंद। मैं इंग्लिश बोलूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ शायद सब लोग इंग्लिश ना बोले और मुझे भी यहाँ हिंदी बोलने का मौका मिलता है। अच्छा चलिए, दो मिनट लेता हूँ। तो मैं यहाँ लखनऊ की पैदाइश हूँ, मेरा जन्म यहाँ 1970 में हुआ था कमांड हॉस्पिटल में। मेरे फादर तब यहाँ पे पोस्टेड थे, आर्मी ऑफिसर हैं। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर हैं थे और मेरे को जब आर्मी का कॉल आया या सिम्बाइसर में एमपी का कॉल आया तो मेरे फादर से मेरी बड़ी लंबी बात हुई कि भाई क्या करना है आगे ज़िंदगी में। तो बहुत सोच विचार के बाद यही तय हुआ कि देखो तुमको पढ़ने का शौक आ गया है और ऐसे आया पर आया है, अब तुम ऐसा करो तुम निकल जाओ यहाँ से और बाहर जाओ पढ़ो और फिर वहाँ से ज्ञान और एक्सपीरियंस और वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके इंडिया आओ। ये 91 में बात हुई थी मुंबई एयरपोर्ट पे और मुझे बहुत गर्व है और खुशी है कि मुझे यहाँ इंडिया में बहुत काम करने का मौका मिला। मैं 100 से ज़्यादा बार आया हूँ इतने समय में और पिछले 6-7 साल से तो मैं 2-2 महीना इंडिया और 2-2 महीना यूरोप में रहता हूँ। और मेरा जो काम है, इन शॉर्ट, मैं मैनेजमेंट प्रोफेसर हूँ बट मैंने वो काम करते करते काफ़ी चीज़ें देखी जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी थी, जैसे कि इंडस्ट्री कनेक्ट, इंटर्नशिप्स, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब। और मैं इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ तो मुझे पता है कि कंपनी कैसे चलाती है, इंटरनेशनल ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो उन लोगों का भी मुझे प्रॉब्लम पता है कि कुछ उनको स्किल चाहिए या एजुकेशन के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से डिप्लॉय कर पाए। तो एक तरीके से मेरा काम का जो मेन फोकस है वो है एकेडमी और इंडस्ट्री को ब्रिज करना। और क्योंकि मैं एकेडमी की तरफ से काम करता रहा इतने साल तो मैंने हर तरीके से एकेडमिक वर्क किया है, करिकुलम बनाया है, मैंने एक्रेडिटेशन का काम किया है, मैंने फैकल्टी ट्रेनिंग करी है, मैंने पढ़ाया है पूरे देश में जगह जगह पढ़ाया है, आईटीज में पढ़ाया है, मैं पढ़ाया बट यहाँ लोकल भी पढ़ाया है, जहांगीराबाद में पढ़ाया है और यहाँ लखनऊ में भी पढ़ाया है। जहाँ भी मुझे कोई प्यार से बुलाता है मैं जाता हूँ। और मैंने ये देखा है कि अब इस काम को मैं इंडस्ट्री की तरफ से कर रहा हूँ क्योंकि जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयबिलिटी अभी भी बहुत बड़े बड़ी समस्या है, चैलेंज है और आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडिया की हो या यूरोप की हो, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैंने पिछले 35 साल में पूरे भारत में जगह जगह पे काम किया है और यूरोप में भी किया है, अब क्यों ना आपको मैं अपने नेटवर्क से जोड़ूँ ताकि आप लोग अपनी वैकेंसीज हमारे नेटवर्क को दें, लखनऊ में दें, शारदा ग्रुप को दें, यूनिवर्सिटी को दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी को दें और यूनिवर्सिटी को दें ताकि मैं जब यहाँ आऊँ अगली बार अगर आप बुलाएंगे तो मैं खूब सारी वैकेंसीज लेके आऊँगा इंडिया से और बाहर से, मेरा वादा है। और नेटवर्किंग की सबसे बड़ी बात है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको सबको इन्वाइट करता हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स, बैचलर, मास्टर, PhD, आप लोग के करियर रिलेटेड कोई भी काम है उसमें मैं, मेरे दोस्त मिश्रा जी आज वो भी अवॉर्डी आज शायद होंगे नहीं, हम लोग फ्री में आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आपको पैसे देने वाले और लोग होते हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका कोई भी रिक्वेस्ट हो रिलेटेड टू योर करियर आप मेरे से ज़रूर जुड़े, विवेक नाग पर गूगल करें, मेरा सब करियर मिलेगा। एंड रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, मेरे को बहुत दिल खुश होता है जब सब लोग के साथ जंगल मन गाने का मौका मिलता है और जो बच्चों ने इतना बेहतरीन जो पूजा करके हम लोग का स्वागत किया, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना और बहुत शानदार लोगों से मिलने का अवसर है जो हर तरीके से देश में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैं बहुत बढ़िया तरीके से शुरू किया उन्होंने भी, तो थैंक यू वेरी मच टू हैव मी हियर विवेक।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।